आज ग्राम मोरगुन की महिलाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर पहुंची, जहां ग्राम मोरगुन की एक 19 वर्षीय लड़की की हत्या के बाद महिलाओं ने लड़की का पोस्टमार्टम करवाना रुकवाया। वहीं राजपुर थाना प्रभारी राजेश यादव के समझाने पर ग्रामीण महिलाएं मानी है, जिसके बाद लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। वहीं थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि ग्राम मोरगुन की जो मृतिका है, उनके परिजन और गांव के कुछ लोग आए थे। वह शव का पोस्टमार्टम के लिए पहले मना कर रहे थे, कुछ उनको असंतुष्टि थी, लेकिन मेरे द्वारा उनको समझाया गया और साक्ष्य के बारे में बताया गया, और जिसके बाद वह साक्ष्य के महत्व को समझ गए, जिसके बाद वह शव के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। वहीं जब थाना प्रभारी अजय यादव से पूछा गया कि यह अंधा कत्ल ट्रेस हो पाएगा, तो उन्होंने बताया कि हाँ, 100% ये मामला ट्रेस होगा। बड़वानी पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने एक टीम बनाई है और टीम हर एंगल पर लगातार काम कर रही है और मामला बहुत जल्द ट्रेस हो जाएगा। यहाँ पे जो मृतिका मोरगुन की लड़की है, उनके परिजन और गांव के कुछ लोग आए थे। वो पीएम के लिए पहले वो मना कर रहे थे, कुछ उनको असंतुष्टि थी, लेकिन मेरे द्वारा उनको पूरा समझाया गया, पूरा टेक्निकल रूप से, वैज्ञानिक रूप से जब पूरा साक्ष्य के बारे में बताया गया, तो साक्ष्य के महत्व को समझ गए हैं और अब वो पीएम को तैयार हैं 100%। श्रीमान एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला साहब ने एक टीम बनाई है और टीम लगातार काम कर रही है, हर एंगल पर काम कर रही है और मामला 100% ट्रेस होगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए राजपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज ग्राम मोरगुन की महिलाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर पहुंची, जहां ग्राम मोरगुन की एक 19 वर्षीय लड़की की हत्या के बाद महिलाओं ने लड़की का पोस्टमार्टम करवाना रुकवाया। वहीं राजपुर थाना प्रभारी राजेश यादव के समझाने पर ग्रामीण महिलाएं मानी है, जिसके बाद लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। वहीं थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि ग्राम मोरगुन की जो मृतिका है, उनके परिजन और गांव के कुछ लोग आए थे। वह शव का पोस्टमार्टम के लिए पहले मना कर रहे थे, कुछ उनको असंतुष्टि थी, लेकिन मेरे द्वारा उनको समझाया गया और साक्ष्य के बारे में बताया गया, और जिसके बाद वह साक्ष्य के महत्व को समझ गए, जिसके बाद वह शव के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। वहीं जब थाना प्रभारी अजय यादव से पूछा गया कि यह अंधा कत्ल ट्रेस हो पाएगा, तो उन्होंने बताया कि हाँ, 100% ये मामला ट्रेस होगा। बड़वानी पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने एक टीम बनाई है और टीम हर एंगल पर लगातार काम कर रही है और मामला बहुत जल्द ट्रेस हो जाएगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए राजपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।